नागपुर शहर में चल रही मूसलाधार बारिश के कारण शहर के मुख्य रास्तों समेत बस्तियों के बीच लोगों के घर में पानी भर चुका है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नागपुर शहर में हो रही धुआंधार बारिश के चलते शहर के मुख्य मार्ग एवं चौराहा समेत कई रास्तों पर आवाजाही स्तब्ध हो चुकी है। कुछ ऐसी तस्वीर शहर के पडोली चौक, मेडिकल चौक, नरेंद्र नगर पुलिया, मनीष नगर अंडर ब्रिज आदि मुख्य आवाजाही वाले रास्तों पर दिखाई दी, जहां की अतिवृष्टि का असर दिखाई दिया, जहां लोग खुद को बचाते हुए ड्राइविंग करते हुए नजर आए। इस तहत नरेंद्र नगर का पुलिया पूरी तरह पानी से डूब चुका है, जहां ट्रक भी डूब चुके हैं। ज्ञात हो कि पिछले साल भी नरेंद्र नगर पुलिया में ट्रक फंस गया था, जो घटना इस साल भी हुई, जिससे प्रशासन के निर्माण पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो रहा है। दिल दहला देने वाली कड़कड़ाती बिजली और बेलगाम भारी बरसात के बीच नागपुर वासियों की शनिवार की सुबह हुई। शुक्रवार आधी रात से ही मौसम में तब्दीली देखी गई, जो सुबह होते तक मूसलाधार बारिश में बदल गई। नागपुर के कई इलाकों में जहां हल्की फुल्की बारिश में ही तालाब बन जाते हैं, वह इतनी तेज बरसात में बहुत से इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी भर चुका है। अब महानगर पालिका प्रशासन इसके लिए कितना तैयार था, यह तो नागपुर के नज़ारों से पता ही चल सकता है। बहरहाल बरसात का कहर अब भी जारी है, जहां लोग अभी भी घरों से पानी निकालते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं पारडी क्षेत्र में भी भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड का कचरा लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे जनता परेशान है। कुछ ऐसी ही स्थिति भयावह शहर में दिखाई दे रही है, जिसके बाद प्रशासन के कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान मौजूद हो रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।